बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी की शेयर करूँगी। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। पहले से देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे वॉच करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल बनाना बहुत आसान होता है अगर आपने वेजिटेबल को पहले से रेडी कर लिया हो। ये मैंने बड़ी साइज़ की एक प्याज ली है, उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 6 जब मैंने लहसुन के लिए हैं और उनको मैंने छील के धो के रख लिया है। शिमला भी मेरे पास है कि उसमें कटी हुई, और मेरे पास जो मटर है वो फ्रोज़न है, तो मैं आपको बताऊंगी इनको मैंने कैसे कैसे डालना है। गाजर भी मैंने छील के काट के धो के रख ली है, और टमाटर मैंने अभी साबुत ही रखे हुए हैं, साथ ही मैं इनको काटूंगी। और ये आलू भी मैंने काट के इसको दो दरमियाने साइज़ के आलू मैंने कि उसमें कट कर लिए और उनको पानी में इसलिए रखा है कि वो ब्लैक ना हो जाए, काले हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। अब हम इन सारी चीज़ों को किस तरतीब से डालेंगे वो आप साथ साथ देखेंगे। एक पैन में ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि वेजिटेबल में भी आप ऑयल डालेंगे, तो उसमें आपने ऑनियन डाल देना है। ऑनियन को आपने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। सब्जियां बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती हैं, हेल्दी फूड है और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप रेस्टोरेंट में जैसे खाते हैं आप, जब इस तरह से ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है, तो यकीनन आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेंगी, बहुत अच्छी वेजिटेबल्स बनेंगी। टमाटर प्याज हमने गोल्डन करने के बाद उसमें कटे हुए क्यूब्स में कटे हुए टमाटर डाल दिए। इनको अब हम सॉफ्ट करेंगे, टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा कवर करेंगे, उसका पानी जो खुश्क हो जाएगा तो बस ये नरम हो जाएंगे। और फिर इसके बाद हमने इसका पेस्ट बना लेना है, जैसे मर्ज़ी आप इसका पेस्ट बना लें। जैसे ब्लेंडर में डाल के मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी, थोड़ा सा ठंडा करके बनाइएगा, लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ी जल्दी थी तो बस मैंने 2-3 मिनट ही नीचे रखा और फिर इसको ब्लेंडर में डाल दिया और इसका पेस्ट बना लिया। इस तरह प्याज टमाटर मुंह में भी नहीं आते और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनती है, बहुत मज़े की बनती है। अब पेस्ट रेडी होने के बाद उसी पैन को आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, उसी में ऑयल डालेंगे और फिर उसमें आप आलू शामिल कर देंगे। आलू जो कि उसमें कटे हुए हैं वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई करना है इसी ऑयल के अंदर, पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और इनके किनारों से आपको समझ भी आ जाएगी कि आपके आलू थोड़े बहुत फ्राई हो चुके हैं। फिर आपने इसमें गाजर डाल देनी है। याद रहे कि गाजर को आलू से मैंने थोड़ा पतला कट किया हुआ था, इसलिए मैंने उसको बाद में डाला है। अगर आपने दोनों के साइज़ बराबर किए हैं तो आपने एक साथ ही आलू और गाजर को डाल देना है, ये गलने में बराबर टाइम लेते हैं। अब मटर जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे उनको मैंने धो लिया है, फ्रोज़न चीज़ों को धो लेना चाहिए। और अब इसमें मैंने मटर डाल देने हैं। आलू और गाजर को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मटर शामिल कर दिए हैं। अब मटर भी फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं है तो इसलिए मैंने अदरक का पाउडर बाद में डाला है, ये मैंने अदरक का पाउडर डाल दिया है। आपके पास फ्रेश अदरक है तो पाउडर की ज़रूरत नहीं है। ये फिर हल्दी गई, फिर इसमें ये करी मसाला जो सालन मसाला होता है, सुर्ख मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है, आप अपनी मर्ज़ी से डालें। फिर ये इसमें ज़ीरा जाएगा और धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे, और उसके बाद इसमें मैंने चिली फ्लेक्स जो दली हुई सुर्ख मिर्च होती है वो डाली है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल ने अपना पानी छोड़ा, मैंने अभी तक इसमें कोई पानी नहीं डाला। जो टमाटर प्याज का आपने पेस्ट बना के रखा था वो अब आप इसमें शामिल कर देंगे, और अभी आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, अच्छी तरह से इसको इसके अंदर आपने
भून लेना है। टमाटर को सब्जियों में भून लेंगे, ऐसे से ये इनका कलर भी आ जाता है और मज़ेदार। अब आपने इसमें नमक डाल देना है। शुरू में नमक इसलिए नहीं डालते कि सब्ज़ी जो है वो पहले तो ज़्यादा होती है, जब पक के फिर थोड़ी लगती है तो फिर नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब मैंने बिल्कुल चौथाई गिलास का चौथाई हिस्सा पानी डाला है और जिस ब्लेंडर में पेस्ट बनाया था उसी में डाल के उस पेस्ट को मैंने तो फिर पानी को इसमें शामिल कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पतला मतलब ग्रेवी ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो आप बेशक रखें, वैसे हमें तो भुनी हुई अच्छी लगती हैं। अब मैंने इसमें शिमला डाली है और मेथी, कसूरी मेथी जो खुश्क होती है मेथी वो डाली है और गरम मसाला डाल दिया है। और शिमला मैंने इसलिए अभी डाली है कि आपको पता है जल्दी से ये फ्राई हो जाती है, तो बस फिर ताकि इसका जो क्रंचीपन है वो ख़त्म ना हो। थोड़ी देर हम इसको ढक देंगे, इतनी देर कि जिसमें सब्ज़ियाँ गल जाएँ। 3-4 मिनट के बाद आप चेक करें, अगर आपके सारी वेजिटेबल गल चुकी हैं अच्छी तरह से तो बस आपकी झटपट से मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की वेजिटेबल रेडी हो चुकी है। अब आप इसको मज़े से नान के साथ खाएं, एंजॉय करें। काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी तो कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी हूँ, आपको आवाज़ से लग रहा होगा, और गुजारा करें शायद कि आपको आज समझ आ रही हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।